आस के इलाकों में लगातार लोग इस उम्मीद में अब बैठे हुए हैं कि उनके इलाके से ये पानी कम हो और लोग अपने घरों में वापसी कर पाएं। लेकिन अभी भी उन लोगों की हालात देखिए जो लोग मकान के ऊपरी हिस्सों में जमे हुए हैं आसरा लेने के लिए। एनडीआरएफ की टीम ने मुहिम चलाई कि इन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। प्राथमिकता इनकी कि जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन्हें सबसे पहले इन बोट के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया जाए। कल कोल्हापुर और सांगली के इस पूरे इलाके का प्रदेश के मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी दौरा किया और बताया कि दरअसल बेहद कम वक्त में उम्मीद से बहुत ज्यादा बारिश इस आफत की वजह भी है। ऐसे में सहायता इन तक पहुंचाना प्राथमिकता भी। ये वो लोग हैं कोल्हापुर के जो कई मकानों में फंसे हुए हैं। आसपास दूर दूर तक पानी ही पानी इन्हें नजर आ रहा है। सड़कें भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और अब SDRF, NDRF की टीम, नेवी और सेना ने भी जहां मोर्चा संभाला है, इन लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सैलाब ने अपना तांडव मचा रखा है। इसी कड़ी में खरगोन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक लड़का उफनाई रूपारेल नदी को पार करते वक्त पानी की तेज धार में बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब झिरनिया इलाका लगातार हो रही बारिश के बाद सैलाब का पानी एक पुलिया तक आ गया और इसी पुलिया को पार करने के चक्कर में ये लड़का जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही लहरों की तेज रफ्तार में उसके पांव उखड़ गए और वो नदी में बहने लगा। इसी दौरान वहां खड़े लोग शोर मचाते रहे, जबकि कुछ लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि भयानक बाढ़ में बहे लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बहाव की वजह से ये लड़का पुलिया पार कर रहा था, लेकिन बहाव की वजह से ये बहता हुआ चला गया और अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि वहां जो लोग थे उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पलक झपकते ही ये लड़का बहता हुआ चला गया। और खरगोन की तरह ही कई और जिले हैं जो मध्य प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां ये हिदायत दी जा रही है कि उफनती नदियों में उसे पार करने की कोशिश ना करें। वहीं लोग कुछ जानबूझकर जान जोखिम में डालते भी दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसा ही शख्स धार में दिखाई दिया जिसे बाद में काफी मशक्कत करके बचाने की कोशिश की गई। ये तस्वीर धार की आप देख रहे हैं, जहाँ लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहीं सेल्फी लेने हुए कुछ बच्चों ने इस हादसे की तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, तेज बहाव का एक वीडियो बना रहे। लेकिन इसी दौरान एक बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश भी कर रहा था, तेज लहरों की वजह से वो अपना संतुलन गंवा बैठा और आखिरकार अपनी जान उसने आफत में डाल ली। बाद में आसपास के लोगों की मदद से उसे बचाने की कोशिश शुरू हुई और आखिरकार वो दूर तक नदी के तेज बहाव में बहता चला गया। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई जगह रास्ते और पुल पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जिनमें हिदायत भी लिखी हुई है पुल पर पानी होने की दशा में इसे पार ना करें। वहीं लोग जानबूझकर कुछ इस तरह से जान आफत में डाल रहे हैं। धार के बाद अब आपको नीमच की तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही के हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से नीमच में एक नाला उफना गया और नाले का पानी पुल के ऊपर बहने लगा और इस पुल को पार करने की कोशिश में एक आदमी तेज लहर की चपेट में आकर बाढ़ के साथ बह गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नाला उफनाया हुआ था और ये आदमी उसको पार करने की चक्कर में ये पानी में बहता हुआ चला गया और इसे बचाने के लिए दूसरा आदमी नाले के किनारे काफी दूर तक दौड़ता रहा, लेकिन वो आदमी तेज लहरों के साथ बहे आदमी को पकड़ नहीं सका। इससे पहले आदमी दो लोगों के साथ पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दो आदमी बाइक पर बैठे, जबकि तीसरा आदमी बाइक को धकेलता हुआ दिखाई दिया। इन तीनों आदमियों ने अपनी जान खतरे में डालकर पुल को पार कर लिया, लेकिन पुल के किनारे पहुंचते ही इनमें से एक आदमी तेज लहर की चपेट में आकर बह गया।
हालांकि दो सुरक्षित बच गए और ये तीसरा शख्स जो था ये पानी के तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। हालांकि काफी दूर तक बहने के बाद आसपास के गांव वालों ने उसे सुरक्षित बचा लिया। लगातार हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और जो हमारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष और दूसरे हमारे अधिकारी हैं लगातार उनके संपर्क में, अगर कोई भी कठिनाई होगी तो उनसे तुरंत हम उसके निराकरण के लिए कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में, ऐसे में गुना में भी पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आसपास की कई नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं गोपी कृष्ण सागर बांध की, जो 90% से ज्यादा भर चुका था और ऐसे में पानी के भारी दबाव के बाद इसके कुछ दरवाजे खोलने भी पड़े हैं। आखिरकार गोपी कृष्ण सागर के इस डैम के दो गेट खोल दिए गए और दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कल ही भोपाल के भदभदा से भी दो दरवाजे खोले गए जो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ, और गुना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले तो उफान पर हैं ही। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए। मोरबी के कल्याणपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए तेजी से राहत और बचाव का काम किया गया। इस बीच एक बहादुर पुलिस वाले ने बाढ़ में फंसे दो बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर उनकी जान बचाई। बताया गया कि इस दौरान करीब 40 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के पानी से बचाकर राहत शिविर तक पहुंचाया गया। मोरबी गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस वाले की बहादुरी, जहां पर दो बच्चियों को कंधे पर बिठा के और ये पानी पार करता हुआ ये जवान नजर आया। तो मोरबी में जहां पुलिस वाला बच्चों को नदी पार करवा रहा था, वहीं एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है मोरबी में, जहां पर एक दीवार गिरने की वजह से 8 लोगों की इसमें मौत हो गई। बताया गया कि इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं और ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूर थे। लगातार तेज बारिश के बाद कमजोर दीवार ढह गई और इसी दीवार के किनारे झोपड़ी बनाकर ये रह रहे थे। 8 लोगों की दबकर इसमें मौत हुई है, 5 महिलाएं हैं, कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार बारिश के बाद कुछ इस तरह की तकलीफ भी गुजरात के कई इलाकों में, जहां मोरबी में ये एक बड़ा हादसा हुआ है।